नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक और मजेदार वीडियो लेकर। मैं हूँ विक्रमजीत सिंह और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विकटॉक पर। दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया के ऐसे 5 खिलाड़ियों के बारे में बताने वाला हूँ जिन्होंने वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा बार मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5, रोहित शर्मा। भारत के जबरदस्त सलामी बल्लेबाज हिटमैन के नाम से जाने जाते रोहित शर्मा ने अभी तक 2 वर्ल्ड कप खेले हैं, जिसमें रोहित शर्मा ने 17 मैच की 17 पारियों में 65.2 की औसत से 978 रन बनाए हैं, जिसमें 6 शतक भी शामिल हैं। रोहित शर्मा को 5 बार मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नंबर 4, एबी डिविलियर्स। साउथ अफ्रीका के ताबड़तोड़ 360 डिग्री कहे जाने वाले एबी डिविलियर्स ने 3 वर्ल्ड कप खेलते हुए 23 मैचों की 22 पारियों में 63 की औसत से 1207 रन बनाए हैं। एबी डिविलियर्स के नाम वर्ल्ड कप में 4 विकेट भी शामिल हैं। एबी डिविलियर्स को 5 बार मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। नंबर 3, सनत जयसूर्या। श्रीलंका के जबरदस्त बाएं हाथ के बल्लेबाज सनत जयसूर्या ने श्रीलंका को बहुत से मैच अपने अकेले के दम पर ही जिताए हैं। सनत जयसूर्या श्रीलंका के लिए 5 वर्ल्ड कप के 38 मैचों की 37 पारियों में 1165 रन और 27 विकेट हासिल किए। सनत जयसूर्या को 5 बार मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया। नंबर 2, ग्लेन मैकग्राथ। ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन गेंदबाज ग्लेन मैकग्राथ ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ की गेंदबाजी से दुनिया के अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को तंग किया। ग्लेन मैकग्राथ ने 5 वर्ल्ड कप के 39 मैचों में 71 विकेट झटके। ग्लेन मैकग्राथ को 6 बार मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। नंबर 1, सचिन तेंदुलकर। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने भारत के लिए बहुत सारी क्रिकेट खेली। सचिन तेंदुलकर ने अपने बल्लेबाजी से भारत को बहुत से टूर्नामेंट जितवाए हैं। सचिन तेंदुलकर के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक भी शामिल है। सचिन तेंदुलकर ने भारत की तरफ से 6 वर्ल्ड कप के 45 मैचों की 44 पारियों में 57 की औसत से 2278 रन बनाए, इसी के साथ 8 विकेट भी हासिल किए, जिसके फलस्वरूप सचिन तेंदुलकर को सबसे ज़्यादा 9 बार मैन ऑफ द मैच के खिताब से सम्मानित किया गया।